एकेडमी में डिग्रियां पा लेने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता। एकेडमी भला तुम्हें सिखाता क्या है? जीवन के एक छोटे से छोटे हिस्से के लिए छोटा छोटा एक्सपर्ट बनाना एकेडमी का काम, उसमें भी 90% लोग तो ऐसे ही डिग्री प्राप्त कर लेते, बाकी 5-10% के लोग जाकर कभी एक्सपर्ट बनते। इन एक्सपर्टों को ज्ञानी समझ लेना समाज की सबसे बड़ी मूर्ता है। कोई भी विषय में कोई व्यक्ति एक्सपर्ट बन गया तो हम उनको ज्ञानी समझ लेते। कोई विज्ञान में एक्सपर्ट बन गया तो हम उसके सारे बातों को वैज्ञानिक समझ लेते। अरे विज्ञान की हजारों शाखाएं हैं, विज्ञान की करोड़ों आविष्कार है, इनमें से किसी विषय में कोई व्यक्ति एक्सपर्ट बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति का सोच भी वैज्ञानिक हो। उस व्यक्ति का अंधविश्वास रह सकता है। कोई व्यक्ति फिल्मों में, एंटरटेनमेंट में, विनोदन में एक्सपर्ट बन गया तो तुम उसे ज्ञानी समझ लेते हो। उनकी जीवन की अनुसरण सब कुछ करने लगते हो। ये सबसे बड़ी भूल हो गई। समाज जब तक इन एक्सपर्टों को अपने ही मैदान में एक्सपर्ट समझे तब तक ठीक है। उससे आगे अगर इन लोगों के प्रति तुम्हारा दृष्टि कुछ और हो जाए तो तुम दिक्कत में पड़ोगे, तुम्हारा समाज गड्ढे में जाएगा। कोई साहित्यिक है, कोई वैज्ञानिक है, कोई सिनेमा के नायक है, खेल के मैदान के नायक है, इन लोगों से अगर तुम ज्ञान की अपेक्षा रखते हो तो झंझट में पड़ोगे। समाज अंधकार में जाएगा और जा रहा है समाज। कोई व्यापार में उन्नति कर लिया, कोई किसी भी मैदान में उन्नति कर लिया तो तुम उसको आदर्श बना लेते हो। यहां भूल हो जाता है। इन सफलता का ज्ञान से दूर दूर तक का कोई जोग नहीं। कोई किसी भी विषय में डॉक्टरेट बन जाए, पीएचडी बन जाए, उससे आगे पोस्ट डॉक्टरेट कर ले, होता क्या है? उसका थोड़ा एक्सपर्टीज किसी विषय के लिए बना दिया, बढ़ा लिया, बस यहां तक बात सीमित हो गई। इससे आगे तो ज्ञान का असमुद्र हिमाचल है। और सिर्फ तो एक छोटे से विषय में किसी व्यक्ति का ज्ञान बढ़ा है। मानो कोई पेड़ काटने में एक्सपर्ट हो चुका है, उससे भला दूसरा ज्ञान का क्या संबंध? कोई इमारत बनाने में एक्सपर्ट हो गया है, उससे भला बाकी जो ज्ञान के संक्षिप्त है उसका क्या जोग? इसलिए ज्ञानी वो नहीं है जो एकेडमिकली एक्सपर्ट है। ज्ञानी का बोध, ज्ञानी का ज्ञान बिल्कुल अलग होता है। ज्ञानी का ज्ञान आंतरिक भी होता है, बाह्यिक भी होता है। सामग्रिक रूप से ज्ञानी अपना ज्ञान को समझते हैं और उसका विकास करते हैं, परंतु जो एकेडमिक शिक्षा है वो कुछ ही विषय में अपने सीमित ज्ञान को सीमित रखने का ही नाम है।
और ज्ञानियों का संख्या भी इस जगत में कम ही होगा। हर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। हाँ, शिक्षित तो हर कोई हो सकता है। पढ़ा लिखा अज्ञानी से दुनिया भरा पड़ा है, परंतु बिना पढ़े लिखे भी ज्ञानी हो सकते हैं। तुम देखोगे कि आज के युग में भी कितने लोग हैं जिनके पास बड़ा बड़ा एकेडमी के डिग्री है। ऐसे लोग कम ही होंगे जिनके पास डिग्रियां ना हो। और जरा जाकर उनसे बात तो करो, उनकी सोच तो देखो। अंधविश्वासों से भरा हुआ व्यक्ति दुनिया में भरा पड़ा है। कोई कहता है कि हमारा संस्कृति लाखों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है, हमारा दर्शन महान है। ये सब फिजूल की बेकार की बातें आज कौन मूल्य देता है? जो व्यक्ति को थोड़ा सा भी ज्ञान है, उसको पता है कि सभ्यता का विकास बस 10,000 साल पहले ही हुआ। फिर एंथ्रोपोलॉजी के भी, इतिहास के भी ऐसे ऐसे पंडित हैं जो पढ़ते तो है किताब में कि हमारा सभ्यता का विकास 10,000 साल पहले है, लेकिन मानते कुछ और है। जब अपने ऊपर बात चल आती, अपने संस्कृति पर, अपने धर्म पर, अपने शिक्षा पर, तब अपना जाना हुआ ज्ञान भी वो काम में नहीं लगाते। वो बस अपने रूढ़िवादी मानसिकता को ही बरकरार रखना चाहते हैं, उसी में उनकी संतुष्टि है। ऐसे ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो विज्ञान के लैब में पोस्ट डॉक्टरेट के बाद भी बड़ा बड़ा रिसर्च किए हैं और हाथ में अंगूठी, माला, ताबीज, इन सब अंधविश्वासों से पड़े हैं। ऐसा लोग मैंने देखा जो अभी भी ज्योतिष को विज्ञान मानते हैं, ज्योतिष विद्या के अनुसार पत्थर पहनते हैं और विज्ञान की चर्चा भी करते हैं। और तुम इन लोगों से क्या प्रत्याशा करोगे? तुम इनको ज्ञानी मान लोगे तो तुम खुद गड्ढे में पड़ोगे। ये कोई ज्ञानी नहीं है। किसी को नोबेल प्राइज भी मिल जाए, किसी को बड़े बड़े डिग्री भी मिल जाए, तो उससे कोई ज्ञानी साबित नहीं होता। ज्ञानी तो सामग्री खोज करते हैं। ज्ञानी मूर्ता से परे है। अज्ञानी के पास डिग्री हो सकता है, लेकिन अज्ञानी कल भी मूर्ख था और आज भी मूर्ख है और आगे भी मूर्ख ही रहेगा।